कैंट पुलिस ने फर्जी जमीन का मालिक बनकर फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में लाइव गिरफ्तारी कैद हुई, जिनकी पहचान अंकित अग्निहोत्री पुत्र जितेंद्र अग्निहोत्री निवासी मोहल्ला दीवान दयाराम पोस्ट गीता प्रेस थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा मुन्ना अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी चकसा हुसैन पचपेड़वा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रजापति पांडे उर्फ सोनू पुत्र मुरलीधर पांडे निवासी शेखपुर नियर गीता प्रेस थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से रमेश कुमार नाम का फर्जी आधार कार्ड निर्वाचन कार्ड पैन कार्ड बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अंकित अग्निहोत्री ने बताया कि वादी मुकदमा रविंद्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद निवासी गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर मेरे साले का मित्र है, जिससे मेरी जान पहचान थी। उससे बातचीत के दौरान उन्होंने जमीन खरीदने की बात मुझसे कही थी, मैं तभी लालच में पड़ गया एवं एक मेरे मित्र जो शाहपुर क्षेत्र के हैं उन्होंने मिलौरा पेट्रोल टंकी के पास जमीन 2020 में दिखाई थी और बताया था कि ये जमीन 28 डिसमिल है, बिकाऊ है। उसका मैंने इंटरनेट से भू आलेख जांच कर खतौनी निकाल लिया था, उसको मैंने रविंद्र कुमार को दिखाया एवं उसको ले जाकर जमीन भी दिखा दिया, उसको जमीन पसंद आ गई। जब रविंद्र कुमार लेने को तैयार हो गया और 3 माह से कह रहे थे कि जमीन वाले से मिलाओ, मैं परेशान था और मैंने एक दिन कचहरी से जब निकल रहा था तब एक रिक्शा वाला मिला और उससे मैंने ये बात बताई कि आपको रमेश कुमार बनना है, आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वह तैयार हो गया। मैंने उसकी फोटो खिंचवाकर सोनू उर्फ प्रजापति पांडे जो गुलरिहा में जन सेवा केंद्र चलाता है उससे मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड व पहचान पत्र जो मुन्ना उर्फ अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी चस्का हुसैन पचपेड़वा थाना गोरखनाथ का है, जमीन मालिक रमेश कुमार पुत्र कपिल देव निवासी भिलौरा नौसड़ के नाम से बनवा दिया और वादी मुकदमा से करीब 5 लाख रुपया अंकित अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। कल दिनांक 1 जून को जब रजिस्ट्री करने को अंकित आ गया तब रमेश बना अली मोहम्मद देर करने लगा। कुछ समय बाद जब आया तो वादी एवं उनके साथ के वकील जब उसकी आईडी देखे तब तीनों पर एक ही फोटो देखकर शंका हो गया एवं जब उन्होंने जमीन मालिक से उसका नाम पिता का नाम एवं पता पूछा तो वह नहीं बता पाया। शंका होने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु लाया गया एवं पूछताछ सकुन एवं जांच पड़ताल के बाद हिरासत में लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि उनके द्वारा अपराध करना पाया गया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अंकित द्वारा शेयर मार्केट एवं अन्य शौक में पैसा उड़ा दिया गया और घाटे में चले जाने के कारण उक्त अपराध कारित किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे, उप निरीक्षक रवि कुमार राय, कांस्टेबल जयप्रकाश यादव, अभिषेक कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये जो है अभी तो दस जनाब आए सीधे सेवा में आए हैं बस, ठीक है। फिर आप लेंगे पीछे 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 ग्रह पे सेवा देता है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अली नगर के अंदर सोनू प्रजापति पांडे वो एज ए आधार अपडेशन का अंकित का भी जनसेवा केंद्र में सर कचहरी में जो भाड़े पर दिया है भाड़े इंडिया अली नगर Thank you.
आज जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक अंकित अग्निहोत्री नामक व्यक्ति को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। जब वह कोर्ट में फर्जी बैनामा कराने का प्रयास कर रहा था और उसको पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह फर्जी खतौनी के लिए किसी भी खतौनी का नंबर उठाता था और उसके बाद में उस खतौनी के नाम से नंबर से जिसके नाम की ज़मीन थी उस व्यक्ति और उसके पिता का नाम वो लेके अपने एक दोस्त जो गुलेरिया में दुकान चलाता है आधार कार्ड की अपडेटिंग करने की उनकी उस दुकान पे जाके उसको फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाता था जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों फर्जी बनाने का काम करता था। वो उस पर चस्पा करने के बाद उसने एक डमी व्यक्ति अली मोहम्मद नाम के व्यक्ति को उसने हायर किया कोर्ट के बाहर से 1,00,000 रुपया में जिसको उसने रमेश नाम का व्यक्ति बनाया और उसको लेके वो कोर्ट परिसर में गया एवं जब तीनों आईडी जब एक समान दिखी तो वकील ने थाना पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं आगे कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से अरेस्टिंग हुआ है प्रजापति पांडे का ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये कार्य कर रहा था। इसमें आपको सैंपल दिखेगा कि ये जिस तरीके का आधार कार्ड है ये पैन कार्ड है इसमें पैन कार्ड में फ़ोटो का और ये दो चीज़ जगह है ये खाली है इसका मतलब ये इस तरह के कईयों पैन कार्ड बना चुका है। इसमें आगे और पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा सर ये जो और आधार कार्ड भी ये किसी का भी प्रिंट करने में माहिर है और इसी तरीके से ये वोटर आईडी भी बनाता था तो इस तीनों प्रकार के जालसाजी में ये माहिर लगता है। अब बाकी पूछताछ की जाएगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये खतौनी और ये फर्जी रजिस्ट्री कराने का ही मामला सामने आया है लेकिन इस जालसाज से पूछने पे पता चलेगा कि इसने किस किस प्रकार के अभी तक के कार्य किए हैं इसकी प्रिंटिंग मशीन और इस तरह के कम से कम 500 से ज़्यादा के कार्ड डीएल के पैन कार्ड के वो सब हिरासत में लिए गए हैं।